हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले रेलवे एएलपी और ग्रुप डी के 6 महत्वपूर्ण पर्सन के बारे में, जो पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो हुई आप तक पहुँच सके। और घंटी के आइकन को जरूर ऑन कर लेना है। घंटी का आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। 11 से 12 के बीच में डेली आपकी मैथ की वीडियो अपलोड होती है, शाम के टाइम रीजनिंग, प्लस 10 बजे रात को होता है लाइव टेस्ट। ये सभी आपके पास तभी पहुँचेंगे जब आपका बेल आइकन भी ऑन होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं। अगर आपको वो कोर्सेज देखने हैं तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और एक लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके भी आप वो कोर्सेज देख सकते हैं। मैथ के कोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से ट्राई करना है। अगर होता है ठीक है, अदरवाइज मैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका आंसर आपको निकाल के मैं बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा। और आपने अगर मेरा पूरा कोर्स नहीं देखा है अभी तक, जो बच्चा नया है उसने नहीं देखा, तो पूरा कोर्स कंप्लीट कराया मैंने रेलवे का, उसमें कुछ चैप्टर बचे हुए हैं अभी भी, ठीक है, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है, ऑल वीडियोज़ के नाम से, रेलवे ऑल वीडियोज़ के नाम से, उसको देख लीजिएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का भी ऐसे ही कंप्लीट करा रहा हूँ और आपका साइंस का भी जल्दी ऐसे कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ ये आपको कैसे करना है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:4, 3 वर्ष बाद का दे रखा है 11:9, ठीक है, होगा। बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो अगर हम देखें तो उनका वर्तमान आयु का रेशियो तो ये हो गया 5:4, और 3 वर्ष बाद की आयु का रेशो भी दे दिया। तो अगर देखा जाए वर्तमान में ए और बी कितनी एज हो जाएगी, 5x और 4x, ठीक है। अब अगर हम इनमें 3-3 साल प्लस कर दें दोनों में, क्योंकि 3 वर्ष बाद का रेशो दे रखा ना, तो ये इस रेशो के बराबर में आ जाएगी, ठीक है। इस रेशो 11:9 के इक्वल हो जाएगी, तो प्लस करके 11:9 के इक्वल लिख लो, ठीक है। अब 11:9 के इक्वल हो गया तो इनकी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी 9 में करेंगे 5 की, तो 45 + 27 बराबर में, 11 की 4 में करेंगे तो 44x, और 11 की 3 में करेंगे तो 33। अब यहाँ से हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, मतलब इनको सिम करेंगे तो 44 इधर जाएगा तो माइनस का है हो जाएगा, और ये 45 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा x, ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमें पता है कि a b का रेशो कितना है 5:4, b की आयु पूछी है, तो b की आयु 4x है, यानी कि 4 रेशो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो रेशो होता है वो एग्जैक्ट में आपकी आयु तो नहीं होती है, वो रेशो होता है। रेशो चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ चीज़ बता रखी है। तो ये है, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, तो 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 ईयर, तो b की वर्तमान आयु 24 ईयर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को पूरा चैप्टर ये देखना है, ठीक है, तो वो मैंने पूरा, मैं अभी बताया था आपको सबसे शुरू में कि एक प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें सब कुछ बता रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। ट्राई मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है वीडियो को रोक करके। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन और इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचा। यदि सारी चीनी पर उसे 14% लाभ हुआ, ध्यान से देखिएगा, तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इसका बहुत फ़ायदा है और मैं हमेशा आपको इसके फायदे बताता रहता हूँ कि कितना फ़ायदा है इस एलिगेशन मेथड का। जब भी आपको क्वेश्चन में 3% दिखे, जैसे कि एक तो उसे 8% लाभ पर बेचा, एक उसने 18, और जो ओवरऑल उसे यानी कि एवरेज प्रॉफिट हुआ वो उसे 14% का लाभ हुआ, तो अब आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। पहली चीनी उसने बेची, कुछ चीनी, मतलब कुछ चीनी का कुछ भाग 1000 किलोग्राम में से 8% के प्रॉफिट पे, लाभ पे। दूसरी बार उसने जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था चीनी का, वो 18% के लाभ पे बेच दिया। जो उसे पूरा, यदि सारी चीनी पर उसे 14% का लाभ हुआ, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे बीच में। बीच में क्यों रखा, यहाँ पे रखा जाता है वो वाली मीन वैल्यू, यानी कि आपकी
औसत वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू, वो यहाँ पे रखी जाती है। अब ये कितना सिंपल हो गया, आप खुद भी नहीं सोच सकते कि आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको इधर से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इनका रेशो जो आ गया ये 4:6, इसको भी कट कर लेंगे 2 से तो ये चला जाएगा 2, और इसको कटेंगे तो 3, तो रेशो आ गया 2:3। और ये रेशो उनकी चीनी का आ गया जितने में उसने 8% पे और 18% पे सेल की है। देखिए 8% पे उसने सेल की है 2, अगर रेशो के हिसाब देखी जाए, ठीक है, और 18% पे उसने 3, तो 8% वाला रेशो कितना हो गया 2। उसने पूछा 8% पर उसने कितनी चीनी बेची, तो हमारे पास 1000 किलो चीनी पूरी है। ठीक है, 1000 किलो चीनी को उसने इन दो अलग अलग भागों में बांट के बेचा है, तो उसने पूछा 8%, 8% वाले का रेशो 2 है, तो दोनों को प्लस करके तो भाग कर देंगे 5 से, ठीक है, पूरी चीनी को, और गुना कर देंगे जिसकी चाहिए हमें, चाहिए किसकी, 8% वाले की, तो 8% वाले का 2 है तो इंटू 2 से कर देंगे, तो ये कट जाएगा 200 और ये आ जाएगा 400 किलोग्राम, यानी कि 8% पे जो उसने चीनी बेची है वो कितनी है 400 किलोग्राम। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ईजी लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा जरूर करके कि मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, और जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर वाइज चैप्टर आपका रिवीजन स्टार्ट करना, ठीक है, दोबारा से, तो जल्दी करूँगा मैं, तब तक जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये देख लीजिएगा, 2-4 दिन में स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए आशा करता हूँ कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, तथा क्रय मूल्य यानी कि कोस्ट प्राइस का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो उस लाभ प्रतिशत 25 हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस हमें दे रखा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, यानी कि सेलिंग प्राइस और आपका CP, दोनों की समझ में आ जाएगा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर इन्होंने दे रखा है 210 रुपये, तो जो सेलिंग प्राइस और CP का अंतर आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा भाई। उसने इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस और CP का मतलब क्या है कि जो उसने सेल किया है, मान लीजिए उसने 100 रुपये में खरीदा था और उसने 110 में बेच दिया, ठीक है, तो इसका मतलब CP ये हो गई और SP ये हो गई सेलिंग प्राइस, तो जो 10 रुपये 10 का इनमें डिफरेंस है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हुआ है, इनके दोनों का डिफरेंस 210 रुपये दिया है, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि इन्होंने लाभ प्रतिशत भी दिया है, लाभ प्रतिशत कितना है 25, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 25, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है कि CP हमारी 100 होगी, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125। भाई प्रॉफिट तभी तो होगा जब सेलिंग प्राइस से 25% ऊपर चला जाएगा, तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा, तो CP हमारी 100 रहती है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125। अब मुझे ये बताइए, जो ये अंतर इनके बीच का आया था, तो ये इनके अंतर के बीच इनका अंतर हो गया ना 25%, भाई 25% के इक्वल 210 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर 210 है, और जो इनके बीच का अंतर परसेंटेज में देखा जाए तो वो 25 है, तो 25% के इक्वल 210 आ जाएगा। अब चाहे जिसका पूछे उसका हम निकाल सकते हैं, तो पूछा क्या है, CP पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य यानी कि आपका पूछा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो इसमें 25% के इक्वल है तो 100% के इक्वल हम निकाल लेंगे, ठीक है, 100% के इक्वल कैसे निकालेंगे, या तो इनकी यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम क्या करते हैं 210 डिवाइड बाई 25 और इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है, ऐसे भी तो निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसकी, जैसे हमने बोला ना 210 को 25 से भाग कर देंगे, ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये आपका SP नहीं आएगा, CP आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, ये आ जाएगा आपका CP कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसकी, क्योंकि 100% हमारी CP है, तो ये कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अगर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस यानी कि SP, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 210, ठीक है, डिवाइड बाय 25 और इनटू 125 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 125% की वैल्यू चाहिए, तो 125 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बात वही है, आपको बस समझ में आना चाहिए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 210 के बराबर हमारा 25% है, अगर बोला जाए CP तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बोला जाए SP तो 125 से,
तो 100 हमने 100 से तो मल्टीप्लाई कर लिया, कितना है 840। अब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1050। तो 1050 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका सीपी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रम 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कई बातें बोली गई है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ए और बी दो दोस्त हैं और उनके घर के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ए जो चलता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है बी से मिलने, और यहाँ पे बी चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से मिलने। तो दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए दूरी हमें पता चल गई। चाल कैसे होगी, चाल इन दोनों की प्लस कर ली जाएगी। ठीक है, इन दोनों की प्लस करके चाल लिखी जाएगी, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहे हैं। क्यों ऐसा किया है हमने, क्योंकि देखिए ये दोनों तरफ से डिस्टेंस कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये इधर से कवर करता है, ये इधर से कवर करता हुआ चल रहा है। 90 किलोमीटर को कितनी स्पीड से घटा रहे हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घटाते हुए चल रहे हैं। समझे ना आप बात को, भैया इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, इनको 90 किलोमीटर को जो है खत्म करना है इस डिस्टेंस को, तो दोनों साइड से घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो इसका मतलब आप इसको प्लस करके भी तो लिख सकते हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोनों मिलकर चल रहे हैं और इतनी जल्दी ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब पूछा है कितनी देर में, ठीक है कितनी देर में वो ये मिल जाएंगे। तो दूरी हो गई 90 किलोमीटर, ठीक है, और चाल इनकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो 90 को 45 से काटेंगे तो 2 घंटे में ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और पूछी गई है कि कितनी ए से, कितने ए से के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूछा है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहला यानी कि ए हमारे लिए, तो पहले दोस्त के मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो अगर ये 2 घंटे में मिल जाएंगे, तो पहले जो दोस्त है इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 20 × 2 तो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। पहले दोस्त के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको जल्दी से अपने आप से सोल्व करके देखिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया था कि औसत चाल निकालना जब या तो कोई अलग स्पीड से गया हो, फिर अलग स्पीड से आया हो, ठीक है, या फिर औसत स्पीड तब निकालनी हो जब वो कोई भी मतलब अलग अलग स्पीड से चल रहे हो। ठीक है ना, ये औसत आपका वैसा नहीं है जैसे हम एवरेज चैप्टर में पढ़ते हैं, ये थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैं ये आपके लिए लिया है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी, बी सी और सी डी सभी इक्वल हो, ठीक है, यानी कि इक्वल दूरी हो, तो पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए, अगर ए से बी तक वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो एवरेज स्पीड पूछी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज निकाल लेंगे। वो ऑप्शन में भी मिलेगा आपको, ठीक है, तो इतना ईजी क्वेश्चन नहीं होता है एग्जाम में। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा औसत चाल का। ये तब होगा जब आपकी 3 अलग अलग स्पीड होगी। कल 2 अलग अलग स्पीड का मैंने बताया था, ठीक है, 2 अलग अलग स्पीड का क्या था, 2 × x × y / x + y। ठीक है, ये तब का है जब आपकी अलग अलग 3 स्पीड होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 कर देना पड़ेगा सबसे पहले, और x y z तीनों की अलग अलग तीनों की मल्टीप्लाई। तो पहले वाली लाइन तो आपकी समझ में आ गई होगी कल वाले फॉर्मूले से ही, कि वहाँ पे 2 लिखते थे, यहाँ पे 3 लिख दिया, और वहाँ पे x y की मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे z भी कर दिया क्योंकि एक और स्पीड बढ़ गई। ठीक है, अब नीचे कैसे करना है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले x y की यानी कि इन दोनों की, फिर y z की इन दोनों की, फिर लास्ट में इसकी और इसकी। ठीक है, z और x की, एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले एक्स वाई भी छोड़िए आप, इन दोनों की, फिर इन दोनों की, और फिर लास्ट वाले की और पहले वाले की। ये आपका फॉर्मूला बन गया।
आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, तो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे, क्योंकि ये आप आपकी समझ में आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, 3 × 10 × 15 × 25, 10 × 15 सबसे पहले, फिर 15 × 25 दूसरे पे, और तीसरे पे 25 × 10, ठीक है, इन सभी को प्लस कर लेंगे, तो अब आपका आंसर आ चुका है। ध्यान रखना है ये को, ये आपका ये ट्रिक जो है इसको याद रख लेनी है, कोई और यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल है, एक दो बार यूज करेंगे तो आपके इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पहले तो इनको प्लस कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 775, इसको 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा 31, तो ऊपर जो बच गया आपका 3 × 10 × 15, तो कितना आ जाएगा 450, 450 को 31 से भाग करेंगे तो 14.51, ये आपकी आ जाएगी औसत चाल, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक औसत चाल आ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत बहुत चांसेस हैं इनके, तो एक बार पूरी वीडियो को देख लिया करें, वीडियो को रिपीट करके देख लिया करें, बार बार बोल रहा हूँ, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया, आगे भी कराऊंगा रिवीजन भी, पूरी वीडियो देख लीजिए जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट दी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या होगी। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। किसी परीक्षा में 93% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए, 93 पास हुए, तो फेल कितने होंगे, 10%, क्योंकि टोटल तो भाई 100% होगा, ठीक है, उसमें से 93% पास हुए तो 7% फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि 259 छात्र अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या 259 है और फेल होने वालों की परसेंटेज कितनी है, 7%, तो 7% के इक्वल 259 हो जाएगा, और 100% के निकालनी होगी तो इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, तो 259 × 100, ठीक है, और भाग कर देंगे 7 से, तो क्या आ जाएगा 3700 कुल संख्या आ जाएगी छात्रों की, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो एक तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब भी आपको किसी परसेंटेज यानी कि 7% के इक्वल ये हो गया, तो 100% के इक्वल कितना होगा, तो यहाँ पे x मान करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 259 के आप 100 में करेंगे, ठीक है, और 7 से भाग कर देंगे तो आपका ये आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, बस यही था लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं सब कुछ बताया करें। रीजनिंग की वीडियो आपकी जो शाम के टाइम डालता हूं मैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, और वैसे भी नहीं है कि आपकी दो दो चार चार मिनट की वीडियो डाल करके आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आधा घंटे, 20 मिनट 17 मिनट इतनी वीडियो मैं कम से कम डाल रहा हूं, ताकि आपको पे भी ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है उसे भी देखने में बोरियत आती है, तो इसलिए मैं आपकी सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक तो जरूर किया करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जितने को हो सकता है लाइक उनको शेयर किया करें, सिर्फ उन बच्चों को शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, किसी को भी शेयर ऐसे को मत करें जो पढ़ना नहीं चाहता, या फिर मतलब उसका इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है, पढ़ना चाहता है या फिर उसने रेलवे का फॉर्म भरा है या किसी और दूसरी जॉब का फॉर्म भरा है, तो उसको ही वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। शाम के टाइम जो 10 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है उसको जरूर ज्वाइन किया करें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।